डिलीवरी एक लंबा प्रोसेस है। लेबर पेन स्टार्ट होने से लेकर बच्चे की डिलीवरी होने तक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन आजकल ज्यादातर बच्चे सिजेरियन या सी सेक्शन से पैदा होते हैं। WHO के अनुसार सिजेरियन सेक्शन सिर्फ तब करना चाहिए जब माँ या बच्चे में से किसी को जान का खतरा हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ 10-15% केस में ही सिजेरियन करने की सलाह देता है, लेकिन आजकल ज्यादातर डिलीवरी सिजेरियन होती है। क्या इन सभी लोगों को वास्तव में सिजेरियन की जरूरत होती है? आइए पहले समझते हैं कि सिजेरियन सेक्शन कैसे किया जाता है। सिजेरियन या सी सेक्शन करने से पहले मदर को एनेस्थीसिया की डोज दी जाती है। इसके बाद पूरे पेट को डिसइंफेक्ट किया जाता है और ऑपरेशन वाली पूरी जगह को डिसइंफेक्टेड कपड़े से ढका जाता है। बॉडी पर एनेस्थीसिया का असर होने के बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। एनेस्थीसिया का असर चेक करने के लिए डॉक्टर पेट को थोड़ा सा हिलाकर चेक कर लेते हैं। अगर महिला को सेंसेशन फील नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि एनेस्थीसिया का असर हो गया है, तब आगे की प्रोसेस स्टार्ट की जाती है। सिजेरियन सेक्शन के प्रोसीजर में महिला होश में होती है, बस एनेस्थीसिया के कारण दर्द महसूस नहीं होता है, इसीलिए अब डॉक्टर चीरा लगा सकते हैं। सबसे पहले स्किन की पहली लेयर पर एक कट लगाया जाता है। इसके बाद नीचे आती है फैट की लेयर। फैट की लेयर को कट करने के बाद एब्डोमेन की मसल विजिबल होने लगती हैं, जिनको कट करने के बाद यूट्रस तक पहुंचा जाता है। इसके बाद यूट्रस के अंदर एमनियोटिक सैक होता है। एमनियोटिक सैक को कट करने के बाद एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकलने लगता है और यहीं पर बच्चा होता है, जिसे बाहर निकाल लिया जाता है। सी सेक्शन बहुत ही जल्दी हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ही आसान प्रोसीजर है। इसमें बच्चे तक पहुँचने के लिए काफ़ी गहरा चीरा लगाना पड़ता है और इसके तुरंत बाद टाँके भी जल्दी जल्दी से लगा दिए जाते हैं ताकि ज़्यादा खून ना बहे। नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ही लंबा टाइम लगता है, लेकिन सिजेरियन में बस कुछ ही मिनट में ऑपरेशन कर दिया जाता है। और सिजेरियन सेक्शन में ऑपरेशन के नाम पर पेशेंट से ज़्यादा पैसे भी लिए जाते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि हेल्थ केयर को बिजनेस मानने वाले लोगों के लिए ये एक फ़ायदे का सौदा होता है, लेकिन माँ और बच्चे को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। स्टिचेस ठीक होने में और घाव भरने में कई बार महीने लग जाते हैं। नॉर्मल डिलीवरी बच्चे के लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल होती है, लेकिन ये स्ट्रेस उस समय बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस स्ट्रेस की वजह से बच्चे की बॉडी में कुछ ज़रूरी केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो बच्चे की बॉडी में बहुत सारी ज़रूरी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, जैसे कि लंग्स को ठीक से सांस लेने के लिए तैयार करना, ताकि लंग्स में जो एमनियोटिक फ्लूइड बचा है वो बाहर निकल जाए और बच्चा ठीक से सांस ले सके। और नॉर्मल डिलीवरी में बच्चा माँ के बहुत सारे बैक्टीरिया के कॉन्टेक्ट में आता है। ये बैक्टीरिया बच्चे के लिए बेनिफिशियल होते हैं और बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। दोस्तों बस आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।